हाय, मैं हूं सोनाली बेंद्रे. दिस इज इंडियाज बेस्ट डांसर. सब्सक्राइब टू लिव म्यूजिक चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर परफॉर्मेंसेस. इंडियाज बेस्ट डांसर में आज देखिए लेडीज स्पेशल का हल्ला बोल, जहां झूम उठेगी पूरे देश की आवाम जब डांसर्स करेंगे नारी शक्ति को सलाम. मेजर प्रिया, आप यहाँ पे आई हैं, आपने हमारी शेरनी को बिल्कुल शेरनी की एनर्जी दे दी है आज. फर्स्ट टाइम मेरा फोटो शूट हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा मैं ओवर एक्टिंग कर रही थी लोगों के सामने, जितना मतलब करना चाहिए. गोल्डी, अब मेरे बाल नहीं रहेंगे. बन जाती है मैं कैसे इन्हें. मुझे कभी लगा ही नहीं कि इट कैन बी सो इंस्पायरिंग. दिल को क्या समझा. तो लेडीज स्पेशल में सबसे पहले स्वागत करते हैं इंडियाज बेस्ट डांसर के परिवार की, सुपर लेडीज का. मैम, सोनाली जी एंड ऑल द लेडीज ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर, एक बार जोरदार ताला हो जाए इन सब के लिए. वेलकम टू लेडीज स्पेशल इंडियाज बेस्ट डांसर. शो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते के स्कोर्स और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर जो दो डांसर्स बॉटम में रहेंगे, कल उन्हें उतरना होगा बैटल में, जिसके बाद होगा इंडियाज बेस्ट डांसर का अगला एलिमिनेशन. तो चलिए फिर बुलाते हैं हमारे पहले डांसर को. जजेस, कभी सोचा है किसी इंसान की जिंदगी का सबसे छोटा और सबसे सुहाना सफर कौन सा होता है? कौन सा? वो होता है मां की कोख से माँ की गोद तक का सफर. माँ के इसी एहसास को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं हमारे पहले परफॉर्मर्स. सो इंडिया लेडीज स्पेशल में प्रेजेंटिंग इंडिया का सीएम यानी चतुर मिनिस्टर पुणे महाराष्ट्र से समर्पण लामा और इनके कोरियोग्राफर भावना खंडूजा. समर्पण से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ. समर्पण, पिछले हफ्ते हम आपके पापा से मिले थे. समर्पण का डांस देखकर बहुत बहुत खुश लगा. इस हफ्ते आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग लेडीज या औरत का इन्फ्लुएंस कौन सा रहा है? मैं खुद को एकदम स्पेशल मानता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ एक लेडी नहीं कि दो लेडी है. एक मेरी माँ और एक मेरी ठुलू मम्मी है. ठुलू मम्मी यानी कि बड़ी माँ है. तो मेरा जो ये एक्ट है, मैं एक्चुअल में माँ और ठुलू मम्मी के लिए प्रिपेयर किया है. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मतलब ठुलू मम्मी को वीडियो कॉल हो सके तो. डेफिनेटली, क्यों नहीं, लेडी स्पेशल है सो कॉल लगाया जाए. नमस्ते. समर्पण, बताओ कौन मम्मी कौन बड़ी मम्मी? जिनके बाल खुले खुले हैं वो मेरे मम्मी है. और वो ठुलू मम्मी है जो साइड में स्पेक्स पहने हुए. कैसे लग रहा है मम्मी और बड़ी मम्मी समर्पण को यहाँ देख के? बहुत अच्छा लग रहा है. हमने तो सोचा भी नहीं था हमारा बेटा इतना बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंचे. आज समर्पण ने अपना जो एक्ट है वो आप दोनों के लिए डेडिकेट किया हुआ है. आप इनका एक्ट देख लीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है?
कोई बात नहीं बेटा, इस बार थोड़ा मुश्किल है, अगली बार कोशिश करते हैं। समर्पण, आज तो तुम्हारा डांस कॉम्पिटिशन है ना, गए नहीं अभी तक? बड़ी मम्मी, उस कॉम्पिटिशन की फीस 1000 रुपये है और उतने पैसे? पैसों की चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन, ए कंची। ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे हे कांची, अरे हे कांची ओ प्यार। अब अगले परफॉर्म करने आ रहे हैं समर्पण लामा। What a performance! Congratulations! मम्मी, अब मैं यहाँ से अपने सपने पूरे करने मुंबई जाना चाहता हूँ। मुंबई अकेले? चिंता मत करो, उसे अपने सपनों की उड़ान भरने दो और जाने दो मुंबई। कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ, ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है हे हे कांची, अरे बाबा हे कांची ओ प्यार। क्या वो कर पाएगा? कर लेगा, मुझे डर लग रहा है, उसके साथ एक नहीं दो माओ का आशीर्वाद है, वो जरूर सफल होगा। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची समर्पण की मम्मी से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा समर्पण का ये परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा, उसी का कहानी है, उसको बहुत इच्छा से डांस करने के लिए, तो रास्ते में भी नाचता चलता था। कौन सी बात है समर्पण की जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? उसका क्यूटनेस है एक तो, मतलब हम उसको कहते हैं कि एक क्यूटी मिनिस्टर है और चतुर मिनिस्टर है। चतुर नहीं, एक जिम्मेवार मिनिस्टर है वो, एक समझदार मिनिस्टर है, एक कोई भी दे दे वो बहुत अच्छे से वफादारी के साथ वो पूरा करता है, जैसे मैन ऑफ द हाउस। हाँ राइट, सुनो मम्मी, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और मेन चीज जैसे कि कभी कभार पापा तो घर पे नहीं रहते थे, वो अब्रॉड में ही रहते थे, तो कभी कभार मम्मी काम पे बिजी हो जाती थी, तो ज़्यादातर मैं ठुल मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। तो सब चीज़ में मतलब ठुल मम्मी का साथ रहा है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा
प्यार करता हूँ उनसे। मैं जब इधर मुंबई आ रहा था तो मम्मी को मैं रोज देखता था, ठुल मम्मी रो रहे, मैं संभालता था मम्मी, क्योंकि मम्मी इट्स ओके, आपका बेटा अभी बड़ा हो चुका है और जिम्मेवारी संभालना आ चुका है समर्पण लामा को, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ठुल मम्मी कभी भी नहीं रोते थे, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ठुल मम्मी रो रहे। कभी कभी माएँ दिखाती नहीं हैं, लेकिन सारे इमोशंस होते हैं, सो यू आर वेरी ब्लेस्ड। मैं समर्पण की मम्मी से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है समर्पण के बारे में? समर्पण बहुत अच्छा बेटा है, बहुत मेहनत है, दुख सुख सब बुझता है। यू नो समर्पण, मैं कहूंगी आप बहुत लकी हो। कृष्ण भगवान की जैसे दो माएं थी, जानकी माँ और यशोदा माँ, वैसे ही आपकी दो माएं हैं। इतने सारे आशीर्वाद, वेरी लकी यू आर। थैंक यू सो मच मम्मी, बड़ी मम्मी, हमसे जुड़ने के लिए तो दा तालियां हो जाए। अब कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आज के परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं कहूंगी तो भावना, बहुत सारी चीजें डिडंट फॉल इन प्लेस फॉर मी, क्योंकि ये डेडिकेशन था उन दो बहुत ही स्पेशल लेडीज के लिए जो समर्पण के लिए स्पेशल है। आई विश दैट इमोशन वॉज एज स्पेशल। जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल बिकॉज नाउ द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग सुपर सीरियस, एलिमिनेशन भी होगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आपका टोटल होता है 21, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 81। विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर सो लकी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर नेक्स्ट गेस्ट। जजेस इंडियन आर्मी में 1993 में पहली बार 25 लेडी ऑफिसर शामिल हुई थी, और आज हमारे साथ जुड़ने वाली है उसी फर्स्ट बैच की कैडेट नंबर 1, द सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच। प्लीज वेलकम मेजर प्रिया जिंगन। ओ सदके मैं जावा, मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। स्वागत है मैम, इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस कि आप हमारे शो में आई हैं। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्रिविलेज। प्रिया जी, व्हाट वाज योर जर्नी लाइक, व्हाई डिड यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन द आर्मी? अभी अब कोई बात करेगा देश प्रेम की, टू डाई फॉर द कंट्री, थोड़ा ड्रामेटिक और फिल्मी लगेगा, पर मेरे लिए ये सच था। वाओ। मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे, तो पहले तो प्लान था पुलिस ज्वाइन करने का, लेकिन एक दफ़ा हम लोग क्लास 9 में थे और द गवर्नर केम टू आर स्कूल, और उनके साथ उनके ADC आए, हु वॉज एन आर्मी ऑफिसर, वेरी हैंडसम गुड लुकिंग आर्मी ऑफिसर। तो ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड सेइंग आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, आई हैव डिसाइडेड आई एम मैरिंग एन आर्मी ऑफिसर, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन मी, एंड आई सेड गर्ल्स आई एम गोइंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। और उसके बाद जब कॉलेज में पहुंचे तो एक दफ़ा एक एडवर्टीजमेंट देखी, इट वॉज फॉर यंग मैन टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, तो मैंने देखा सारा क्राइटेरिया, यार ये सब आई फिट ऑल दिस एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट अ यंग मैन, राइट? तो मुझे बहुत गंदा लगा कि यार ऐसे क्यों कि मैन गेट द राइट टू लुक आफ्टर देयर कंट्री, ये हमारी भी ड्यूटी है एज वुमेन। तो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिख दिया, मुझे नहीं पता था कि वो वापस रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बट ही डिड। और उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग इतने उत्साहित हो, ये होगा लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तो तब तक के लिए आप अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद ही करनी चालू कर दी।
मैंने टाइक्वांडो टेक्निक ऑफ मार्शल आर्ट्स की क्लासेस चालू की, उसमें सिर्फ बॉयज थे, तो वो उनकी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी रहती थी कि सारे बॉयज ऐसे लेटते थे और जो इंस्ट्रक्टर था वो एक स्टमक से दूसरे स्टमक के ऊपर जंप करते थे जस्ट टू सी के कितने स्ट्रांग कोर, और उनमें से एक स्टमक मेरा भी था. इवन आई यूज्ड टू लाई डाउन देयर एंड डू ऑल द फाइट्स एंड ट्रेनिंग विद देम. देन आई स्टडीड लॉ, और उसके बाद एक दफा मुझे याद है हम एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, दिस हैपेंड इन 91, और उसमें एक there was a uniformed outline sketch of a woman. Correct. Aur heading thi women the army beckons you. Wow. Oh, nice. Main sach karne ki teri bari. Aur fir apply kiya, 25,000 applicants ne apply kiya tha. Okay. Jisme se 250 were shortlisted and called for the interviews. Right. Usme se 25 select hui thi. Wow. And I was the first lady cadet. And also the first officer to join the Judge Advocate General's Department of the Indian Army. Wow. First female officer. Crazy. फिर जब अकेडमी पहुंच गए एंड आई रियलाइज ब्रो अब कभी भी वापस घर जाने की नहीं रखी है, देन इट हिट मी वेरी हार्ड कि बस हो गया, फैमिली इज ओवर. And even after I got married, I wasn't able to stay with my husband all the time. He was also an army officer. तो हमारे पूरे साल की सर्विस में हम लोग 6 महीने इकट्ठे रहे थे. लेकिन ये मेरी चॉइस थी, ये मेरा पैशन था फौज. तो उसके लिए अगर मुझे कुछ भी और सैक्रिफाइस करना था तो आई वॉज रेडी फॉर इट. आज आप किसे सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर वो हम जानना चाहेंगे. मैं सपोर्ट करने आए हूँ शेर बच्चा कहाँ है, और इतना बहादुर बच्चा है ये. एट द एज ऑफ 20 यू आर द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस. आप खुद नहीं पढ़ पाई हैं लेकिन आप अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट कर रही हैं पढ़ने के लिए, और सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से आप यहाँ पे पहुंची और आप उसी टैलेंट को अपने फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. सो आई सल्यूट यू. All the best. So India, Major Priya Jhingan ki farmaish pe Lady Special mein presenting Mamgai Parivar ki Buniyad Pauri Garhwal se Anjali Mamgai aur inke choreographer Akash Thapa. Please,
means a lot, sir. Means for a the lot. Queen. Well done. Well done. Anjali, कितने हफ्तों से हम आपको बार-बार टोक रहे हैं कि Anjali, आप tomboy हो, थोड़ा वो लड़की वाला जो मिजाज चाहिए, जो आओ भाव चाहिए, वो आप में नहीं आ रहा. And आज जो आपने करा, देर आए, दुरुस्त आए, और अगर आए, तो ऐसा आए. Most importantly, जब भी आप in between choreography चलते हो अपने next step पर, तो आप suddenly आप लड़के के form में आ जाते हो. But आज हर जो in between steps थे, वहाँ पर भी आपकी चाल लड़की वाली थी. Maheshwari Anjali, I'm so happy. Yehi yaad rakhna. I just want to say, aaj mujhe Mamgai parivar ki na buniyad nazar aayi, na mujhe Anjali Mamgai the tomboy nazar aayi, mujhe aaj wo sherni nazar aayi, jisko hafte dar hafte, hum koi na koi wajah se, wo pure das nahi dete hain. She came, she fought, she conquered. That's the Anjali I want to see every week. Thank you so much. I would say कि ये मेरे लिए तूफानी performance था। क्या बात है? I would also say कि Major Priya, आप यहाँ पे आई हैं, आपने हमारी शेरनी को बिल्कुल शेरनी की energy दे दी है आज, and that was so amazing. Let me tell you, जब हम लोग TV पे देखते हैं, तो हमें लगता है इसमें पक्का कुछ camera trick रहा होगा, कुछ fast forward किया होगा, but to see you perform it today. We are stuck. I am absolutely amazed and really proud of you. You've done a wonderful job, both of you. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much, Priya ji. You came here. You have Anjali ko itta support kiya. Thank you so much. Major Priya, you're such an inspiration. I think what we would all like yes. to do absolutely. For you. Kya baat. Jai Hind. Anjali and Akash, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 82. Thank you for coming. ये कहानी है एक प्रतिभाशाली लड़की की. तमिल परिवार में जन्मी अपने माँ बाप की लाडली जिसे बचपन से ही नृत्य में अनंत रुचि थी. 4 साल की हो गई है सुधा, देखना एक दिन ये बहुत बड़ी नृत्यांगना बनेगी. सुधा बेटा जल्दी करो, नृत्य की कक्षा का वक्त हो गया है. जी पापा अभी आई. अरे ये क्या, अब तक घुंघरू क्यों नहीं पहने? अरे अरे रुको. तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में. कठिन अभ्यास के बाद सुधा अपने नृत्य कला से देश भर में प्रसिद्ध होती गई. 1981 में जब वो 16 साल की हुई, तब तिरुचिरापल्ली में उन्हें नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया. ब्रेकिंग न्यूज, तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सफर करने वाले कई यात्री बुरी तरह घायल हो चुके हैं.
डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? सुधा के दाएं पैर में जहर फैल चुका है। उसकी जान बचाने के लिए हमें उसका पैर उसके शरीर से अलग करना पड़ेगा। बिचारी कितना बुरा हुआ। अच्छी डांसर थी। हिम्मत रखा कर बेटी, पता नहीं कैसे चल पाएगी। कितना पैर कटा, घुटने से ऊपर गया या घुटने से नीचे? अरे कितना बुरा, हिम्मत रखा कर बेटी। सब कितना बुरा। अरे बिचारी, आज से मैं बनूंगा तुम्हारा वो पैर जो तुमने खोया है। गिर के उठना, उठ के चलना, चल के दौड़ना, पर कभी रुकना मत। नमस्ते। आज 3 साल बाद ये नृत्यांगना पूरे हौसले के साथ फिर लौटी है इस मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे देश की शान और हौसले की पहचान सुधा चंद्रन। अच्छी डांसर थी। कितना पैर कटा। अरे बिचारी, संभव को संभव किया है। मेरे लिए तुम साक्षात माँ सरस्वती का अवतार हो। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। सुपर सुपर। जो कहानी आपने दर्शाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो एक जर्नी को याद दिलाने के लिए, और कोई दुख नहीं है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। गर्व इस बात की है कि एक लड़की होकर, एक औरत होकर मैंने ये कर दिखाया है। क्योंकि अक्सर यही कहते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती है, औरतें क्या कर सकती है। अरे औरतें ही तो ये कर सकती हैं। लोग तो बातें करते रहते हैं मेरी जिंदगी के बारे में जी, बट वो सफर 3 साल का जो सफर था, जिसे मैं बैकग्राउंड में बंद करके लॉकर के अंदर रखी थी जी, आज वो सारे तार हिलने लगे। और मेरे पिताश्री, खास तौर से आई सॉ माई फादर इन यू टुडे। आज से मैं बनूंगा तुम्हारा वो पैर जो तुमने खोया है। गिर के उठना, उठ के चलना, चल के दौड़ना, पर कभी रुकना मत। बिकॉज मुझे याद है उस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपका पैर नहीं रहेगा, तो माई फादर वॉक्ड इन टू द रूम एंड सेड कि मैं वो पैर बनूंगा। तो मैंने कहा कब तक, कब तक बनोगे? तो उन्होंने उस वक्त एक वादा किया था मुझसे कि मैं तब तक तुम्हारे साथ चलूंगा जब तक तुम कुछ नहीं बन जाओगी और तुम अपने कला में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगी। और उन्होंने अपना वादा निभाया।
ही वॉज विथ मी टिल लास्ट टू ईयर्स. ही सॉ माई सक्सेस. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप अपने माता पिता को ये गिफ्ट दे सकें. मेरे पेरेंट्स मेरे सामने दिन भर बहुत खुश रहते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो आपस में बात करते थे कि बेटी का क्या होगा, इसकी जिंदगी का क्या होगा. उस वक्त मैंने वादा किया, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो मौका दे दो कि मैं स्टेज पर आऊं और जो लोग ये कह रहे हैं कि बेचारे सुधा के, यू नो, जैसे आपने आज डिपिक किया था जी, वो बाहर आके ये बोले कि वो है सुधा चंद्रन के माता पिता. बस इतना ही मेरा एजेंडा था. मैं देवपर्णा के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ. अरे वाह. मैं घुंघरू लेकर आई हूँ और लॉर्ड नटराजा लेकर आई हूँ. थैंक यू. और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी भर ये आपके साथ रहे. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you so much. And keep dancing. Love you. आज लेडी स्पेशल के लिए इससे अच्छी इंस्पिरेशनल कहानी शायद ना होती. हम डांसर्स के लिए खास करके, अगर विल पावर स्ट्रांग हो तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती. सो थैंक यू फॉर दिस. गॉड ब्लेस यू. वेरी वेल डन. थैंक यू. ऑलराइट देन, तो अब बारी है स्कोर्स की. तो आपका टोटल होता है 25. कि पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस और इस हफ्ते के परफॉर्मेंस को मिलाकर आपका टोटल होता है 85. भाई, इतने साल से ये भाईगिरी का स्टॉल लगा के बैठे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, कैसे भाई बनोगे? भाई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. मुंबई. अब तेरा भाई तुझे समझाएगा कि मुंबई का भाई कैसे बनते हैं. मुंबई इज द डेंजर प्लेस वेयर यू सर्वाइव इफ यू गॉट द पेस. यू गॉट टू बी फास्ट, यू गॉट टू बी टेस, यू गॉट टू बी श्योर नॉट टू विन द रेस. छोटा छोटा मैटर बनी पुलिस केस, बड़ा बड़ा लफड़ा गुल विदाउट ट्रेस. घबराने को नहीं, गिव इट इन द फेस. हाँ, जैसा देश वैसा भेस. भाईगिरी को छोड़ सब, भाई का अंदर जो रहता भाई को देगा त्रास. होएगा वो क्लास, भाईगा उसका ब्लड जस्ट लाइक टमाटो सॉस. छोटे, मैंने जो सिखाया वो समझा ना? हाँ भाई. तो चल. एक खत्म नहीं हुआ. छोटे, तू क्या फटाफट सीख गया रे? चल अड्डे पर जाते. पर दिखता है जो एक बार उधर ही रह जाता है. छोड़ दिया अपना लेता, या हो कोई बिल्डर भाई को देकर सुपारी करवाता है. हाँ, उसका पावर है सब, उसका आगे झुकता, उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई रुकता. ऑर्केस्ट्रा कम ऑन बेबी. पीने का, भरने का, जीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, गिरने का, टैक्स नहीं लेने का, भाई से पूछने का, कसका है, बढ़ाए, आई एम मुंबई. आने का, जाने का, नाचने का, गाने का, नहाने का, धोने का, हंसने का, रोने का, बोमने मारने का, भाई से पूछने का, कसका है, बढ़ाए, आई एम मुंबई. I
आई हैव टू से कोरियोग्राफिकली क्या स्मूथनेस थी, क्या क्लैरिटी थी, क्या कॉन्फिडेंस। मुंबई एकदम डेंजर प्लेस वेयर यू सर्वाइव इफ यू गॉट द पेस। कार्तिक आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, बट आई हैव टू गिव इट टू अनिकेत जो उसने ट्रांसलेट करा है। अनिकेत यू वर इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल टुडे। ये क्राउन बनता है और ये आपका हक का बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बनता है। सोनाली जी, पिछले हफ्ते के स्कोर्स और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 81। जब किसी कलाकार को फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो वो उसमें जान डाल देता है। लेकिन अक्सर बड़े से बड़े कलाकार भी जिंदगी की स्क्रिप्ट के सामने हार जाता है। पर हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने अपने जज्बे से अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी है, जहां पर उन्होंने जिंदगी की मुश्किलों में खुशियां ढूंढी है। और ऐसी ही एक कलाकार की कहानी को बयान करने आ रहा है हमारा अगला परफॉर्मर। सो इंडिया लेडी स्पेशल में प्रेजेंटिंग डांस का 56 भोग सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक। Introducing you to the very gorgeous, very beautiful supermodel Sonali Bendre. Sonali Bendre bani Bollywood ki dhadkan. Sonali ko nawaza gaya kai sare awards ke sath. Bade parde ke baad chote parde par chala Sonali Bendre ka jadoo. Wah, ye hui na baat. गोल्डी अब मेरे बाल नहीं रहेंगे। गोल्डी मेरा काम, मेरे ब्रांड्स, मैं कैसे मैनेज करूंगी? सोनाली, कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं? बेटा, मम्मी को 4th stage कैंसर है। डैड, मैंने और मॉम ने एक बुक पढ़ी थी। आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर आवर फैमिली, पर हम साथ मिलकर ये कैंसर से जरूर लड़ेंगे। हमारा बेटा बड़ा हो गया। क्यों चोरी हो ना पाई दास्तां, शायद हमारा साथ यही तक था। मेरी कहानी मैं खुद बताऊंगी। दोनों के दिलों में छुपा है जो एक अनजाना सा गम, क्या हो पाएगा वो कम, कोई क्या कहे। कितना
कितना वीरान है ये समां। चलो बेबी घर चलते हैं। सोनाली हम हमेशा साथ रहेंगे। सोनाली बेंद्रे ने हरा दिया कैंसर को। सोनाली बेंद्रे कर रही है छोटे पर्दे पर रियलिटी शो जज। सोनाली बेंद्रे इज अ फाइटर। सोनाली तुमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। शिवांशु। यस मैम। थैंक यू। वी लव यू। थैंक यू सो मच। लव यू। इतना ब्यूटिफुली आप दोनों ने इसको पोर्ट्री किया है। थैंक यू मैम। आपको थैंक यू। आपकी इस जर्नी की वजह से हम लोग कितने इंस्पायर हुए हम लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मुझे कभी लगा ही नहीं कि इट कैन बी सो इंस्पायरिंग। क्वाइट फ्रैंकली इट इज इंस्पायरिंग। आप नहीं जानती आपने कितने लोगों को हौसला दिया है कि ये वो बीमारी है जिससे आप निखर कर इस तरह से खड़ी हो सकती हैं। वो शब्द ऐसा है कि वो आधा आपको वही मार देता है। Just that word. Yeah. You know, गीता एक बात कहूँ। जब पहली बार हमने इसके बारे में बात की और बताया जो हमको रिस्पॉन्स मिला है तो एक चीज उसमें से सामने आई कि ये हर घर में होता है। बिल्कुल। गांव में शहर में रिच पुअर। और मुझे ये पता ही नहीं था। और जबकि मैं सोचती हूँ कि आई एम एजुकेटेड और मैं इतनी एक्सपोज हूँ और अगर मुझे नहीं पता था ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता नहीं था। बिल्कुल। एंड देन ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज कि ये फोर्थ स्टेज तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट करो तो यू कैन रिकवर फ्रॉम इट। मतलब अवेयरनेस नहीं है इसलिए कितनी जाने सिर्फ इसकी वजह से जाती है। कितने बच्चों की माए छिन जाती है। पिताजी छीन जाते हैं या यू नो बहन भाई। एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई रियलाइज दैट हमने कहा कि यू नो एज अ नोन पर्सन यही कर सकती हूँ मैं कि इसके बारे में बात करूँ। एंड आज अगले महीने से मेरा 5वां साल शुरू हो जाएगा ऑफ रेमिशन। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझे ये एक ही बात सिर्फ इस जर्नी की बहुत अच्छी लगती है कि लोग बात करने लग गए हैं इसके बारे में। वो हौसला मिलता है ना कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब यू अंडरस्टैंड कि एक औरत की ब्यूटी बालों को लेके हर उनकी खूबसूरती हमारे दिमाग में है ना। ये खूबसूरती मेरे बाल हैं
उनका जाना एंड फॉर यू टू जस्ट कम आउट प्रोडक्ट नहीं है जिसकी एड नहीं की हो. हाँ, ऐसा कोई है प्रोडक्ट नहीं है. आई वाज सो नोन फॉर माय हेयर एंड देन केम अ टाइम व्हेन यू वर नोन फॉर द इंस्पिरेशनल बॉल्ड लुक. एंड आई रिमेम्बर सीइंग इट एंड आई वाज लाइक कितने गट्स लगते हैं ये करने के लिए, कितनी हिम्मत लगती है कि आप सबके सामने आओ कहो मैं ऐसे भी खूबसूरत हूँ. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज ब्यूटीफुल. लेकिन आई हैव टू कन्फेस कि मैं इसको जज नहीं कर सकती. क्यों? आई वाज सो ओवरवेल्म कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई हूँ. मुझे लगता है मुझे ये वीडियो फिर से देखने का है. आप दोनों बोलो जो भी बोलना है. फॉर मी इट वॉज ब्यूटिफुल. फॉर मी जस्ट द फैक्ट कि आपने मेरे बारे में सोचा और मेरी जर्नी इस तरह दिखाई, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है. एंड आई एम सो टच्ड. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू शिवांशु. योर एक्ट, योर परफॉर्मेंस वॉज सो प्योर टूडे इन एवरी वे, एट एवरी गिवन पॉइंट. स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारी थी और इतने लोगों के होने के बावजूद ना मुझे वो नजर आई. और शिवांशु प्लेड हर बट आई स्टिल सॉ हर. दैट इज हाउ गुड एंड हाउ वेल एंड हाउ सिंसियरली यू डिड इट शिवांशु. थैंक यू. थैंक यू सो मच विवेक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो प्राउड. थैंक यू. I would say thank you for the sensitivity. Yes. So sensitive and beautiful. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Oh, oh, oh. Ye dono ka hai aapka. Both of you. I'll give for you also. Yeah, you do what you have to give. Ye banta hai. Ka total score hota hai 29. Pichle hafte aur is hafte ke score ko milakar aapka total hota hai 89. Wow. Fantastic. Thank you, thank you, thank you so much. Please take your seat. Joga Thalia. दिल की है दिल ही में रखना पिया. Nice. लब तो ना खोलू मैं, खोलू ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया. पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना. Thank you.
आती फिर झम 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 बरसी वो तेरे ही तरह पिया बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं बट आई हैव टू से द प्रिसिशन जो प्रिसिशन जो क्वालिटी जो आपने पॉपिंग और एनिमेशन में दिखाई है दिस इज गोइंग टू बी एन ऐतिहासिक मोमेंट फॉर ऑल कोरियोग्राफर्स इन फ्यूचर टू सी एन एक्ट लाइक दिस एंड से इट हैज टू मैच अप टू दिस लेवल ये मोमेंट बनता है आओ 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 आपके लिए एंड दिस राइटली बिलोंग्स टू यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू जो जिया डोले वाला मोमेंट था जब आपने एक पप्पी दी और उनका वो शोल्डर पीछे गया दैट चुंबेश्वरी मोमेंट करेक्ट जब वो पूरा कैमरा वाला पोर्शन था व्हेन यू टर्न्ड अराउंड एंड यू क्लिक्ड हिज पिक्चर्स वो तूफानी वाला मोमेंट एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो स्टुपेंडो फैंटाबुलस थी जजेस पुराने जमाने से कहा जाता था कि सोने के जेवर औरत की खूबसूरती को और निखार देते हैं दौर बदला लड़कियों का तेवर बदला और एक दिन लड़कियों का ये जेवर भी बदला जब लड़कियों ने सर उठाकर कहा कि हम पर सोना अच्छा लगता है लेकिन जेवर के रूप में नहीं मेडल के रूप में और इसी सोच के साथ भारत को मिल गई दुनिया की बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन जिनकी झलक आपको अगले परफॉर्मेंस में दिखेगी सो इंडिया लेडी स्पेशल में प्रेजेंटिंग वो जिनका स्टाइल बन चुका है ट्रेंड और जो सुष्मिता के है स्पेशल फ्रेंड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से नोरबू तमंग और इनके कोरियोग्राफर तुषार शेट्टी आसमान में उड़ने के लिए हजारों पर लाती है हाथों में जीतने का हुनर लाती है किसी भी देश का सीना चौड़ा होता है तब जब बेटियां जीत के सोना घर लाती है और ऐसा ही गर्व भारत को महसूस कराया है हमारी बुलंद बेटियों ने कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के नीचे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो ही तो में गंज है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मस है जी
है ताजिद है थी किसना यूं ही फिसना यूं ही फिसना यूं ही पत्थर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चकले हर हफ्ते इंडियाज बेस्ट डांसर पे डांस का मैजिक तो आप देखते ही है, लेकिन अब सोनी टीवी पे एक ऐसा शो आने वाला है जहां मैजिक के साथ साथ डांसिंग, सिंगिंग, एक्रोबैट्स, मलखम, हर तरह का टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। तो 29 जुलाई से शनिवार रविवार रात 9:30 बजे से देखना मत भूलिएगा टैलेंट का सबसे बड़ा त्योहार जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। आज लेडी स्पेशल है, लेडी अचीवर्स के बारे में आपने बात करी, मुझे वो पोर्शन बहुत अच्छा लगा जहाँ पे आप लोग सब लेडीज़ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में आप लोग जब डिपिक्ट कर रहे थे, तो इट लुक रियली नाइस। लेकिन वो जो एक देशभक्ति की जो एक 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 फीलिंग है वो मुझे कमी लगी उस इमोशन की, फॉर श्योर। Somewhere today, Norbu looked heavy on his feet, and it felt like he was putting in a lot of effort to try and achieve the choreography. आपका dancing का जो मात्रा है choreography में काफी हद तक अच्छा, level also was very intricate, but there's an ease that needs to come in. ये एक difficult song है दिखाना, और आपने जिस तरह से उसको दर्शाया है वो बहुत सुंदर था, लेकिन मेरी expectations बहुत हैं आपसे। Alright, बारी है स्कोर्स की, 8 मार्क्स, तो आपका टोटल होता है 24, और पिछले हफ्ते के स्कोर और इस हफ्ते के स्कोर को मिलाकर आपका टोटल बनता है 81। थैंक यू सो मच नूरबू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। इंडिया लेडीज स्पेशल यहीं खत्म होता है, लेकिन कल इस मंच पे मनाया जाएगा दुनिया के सबसे मजबूत सपोर्ट, सबसे सुंदर एहसास और सबसे सुंदर जज्बात का जश्न, यानी परिवार का जश्न, जहां हम सेलिब्रेट करेंगे परिवार के अलग अलग रिश्तों को। तो आप भी हमसे रिश्ता निभाइए, कल मिलने जरूर आइए, और देखते रहिए इंडियाज बेस्ट डांसर। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.